ब्लैकलिस्टेड आईएएस पूजा खेडकर का नाम अब तक आप सब सुन चुके होंगे। पूजा खेडकर किस तरीके से यूपीएससी की परीक्षा में धांधली करके आईएएस बनी, उसका कैसे उनका खुलासा हुआ और अब उन्हें यूपीएससी ने हमेशा के ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, क्या लूपहोल्स आज भी हैं यूपीएससी में और किस तरीके से लोग गलत कोटे का फायदा इस्तेमाल करके आईएएस बन जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे प्रमोद कुमार अग्रवाल हैं, रिटायर्ड आईएएस है और ये पहले आईएएस इनकी किताब भी आई है, एक आईएएस की आत्मकथा, सत्य ईमानदारी और न्याय के पथ पर एक आईएएस की प्रेरक कहानी, इन तीन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इन्हीं तीन शब्दों को धता बताते हुए पूजा आईएएस बन गई थी, उनसे बात करेंगे। प्रमोद जी, आईएएस की परीक्षा की तैयारी लंबे समय से लोग करते हैं, यूपीएससी एक माना जाता है कि ऐसी संस्था रही है जिसमें कोई लूपहोल्स नहीं है, लेकिन इसने एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये बड़ी दुख की बात है और यूपीएससी पे वास्तव में जो आप कह रहे हैं एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया, क्योंकि यूपीएससी में आज तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई और इसने क्या किया कि अपना नाम चेंज कर लिया और इसके अतिरिक्त अपने माता पिता का नाम चेंज कर लिया, क्योंकि इसके जो माता पिता थे उनकी आमदनी 8 लाख से अधिक थी और वो शपथ पत्र पे डिक्लेयर थी क्योंकि वो चुनाव लड़े थे। तो जब इसने ये सब कर लिया तो यूपी, इसके अलावा इसने पहले भी अटेम्प्ट किया था, अपना नाम भी परिवर्तन कर लिया, पूजा खेडकर का जो पूजा जो पूरा नाम इसने और बीच में अपने दादा का नाम लगा दिया, तो यूपीएससी इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाई कि वो यही कैंडिडेट है या दूसरी है। हो सकता है कि जो आधार कार्ड है उस पर जो आँख की पुतली को देख के जो उसमें वो आइडेंटिफिकेशन होता, अगर यूपीएससी ऐसा करती तो शायद ये डिटेक्ट हो जाता। मुझे हमने कई परीक्षाओं में देखा है, यहाँ तक विश्वविद्यालय स्तर पे भी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है, क्या यूपीएससी के स्तर पे ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके इतनी आसानी से पूजा आईएएस बन गई, ट्रेनी आईएएस हो गई? देखिए, यूपीएससी में जो प्रक्रिया है वो है कि पहले आपने फॉर्म भर दिया, जब आपका साक्षात्कार होता है तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट लाने को बोलते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यूपीएससी में जिस आदमी ने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है वो इतना योग्य होगा, इस प्रकार की वारदात नहीं करेगा, लोग विश्वास ही नहीं करते। तो जो वहाँ चेकिंग होती है, मैं आपको सही बताऊं, मैं क्योंकि मैं तो आईआरएस में भी आया था पहले 74 में, फिर 76 में आईएएस में आया, इस प्रक्रिया से मैं 2-3 बार गुजरा, तो बड़ा सुपरफिशियल सा होता है, वहाँ एक क्लर्क होता है वो देख लेता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वो हैं कि नहीं, अब वास्तव में जिसने दिए वो तो साथ में लाए गई, तो इस प्रकार का कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया ऐसा कहें आजकल जो आईटी बेस्ड प्रक्रिया है वो नहीं है। मतलब ये कहें कि क्लर्क भी मान लेता है कि जो साहब आए हैं वो कल को हो सकता है हमारे विभाग के सेक्रेटरी बन के आ जाए, तो ऐसा ना हो कि हम पे हमला बोल दें, इस वजह से क्या ऐसा कर देते हैं लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं करते, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन ही देखा जाता है कि वो जो कैंडिडेट है उसके विरोध में कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो यूपीएससी का सिस्टम बड़ा वो रहा, लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आजकल उससे ज़्यादा चतुर हैं जो जांच करने वाले हैं, तो अगर वो ऐसा कोई आईटी बेस कोई जांच प्रक्रिया होती, जैसे मैंने कहा आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड में फीड करने की प्रक्रिया होती तो मैं सोचता हूँ ये डिटेक्ट हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने खुद को 7% हैंडीकैप बताया, इस कोटे से नौकरी पा लिए, कई लोग कोटा लगा के अपने रैंक ऊपर ले आए, आईआरएस की जगह आईएएस बन गए, कैसे कोटा फायदा पहुंचा रहा है और कैसे इस कोटे का गलत इस्तेमाल हो रहा है? फिजिकली हैंडीकैप में कई प्रकार की हैंडीकैप है, तो उसमें जैसे उसका आपने बताया कि आँख का था वो डिटेक्ट हो सकता था, उसने कहा मानसिक रूप से हमें समस्या है, अब मानसिक रूप से बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होता है उसमें, और उसमें उसका जो उन्होंने उसका टेस्ट भी हुआ तो उसमें भी उन्होंने पाया कि वो हैंडीकैप थी, हो सकता है कि उसमें और सोफिस्टिकेटेड वो होना चाहिए थे इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस। जब मामला आया था पूजा का तो पुणे के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो शिकायत की थी वो ये की थी कि ये अपनी जो उनको ज़रूरतें मिलनी चाहिए, उनको पर्क्स मिलने चाहिए, उससे ज़्यादा एज अ ट्रेनी आई से पर्क्स मांग रही थी, अपनी ऑडी कार में ये नीली बत्ती लगा के घूम रही थी। तो आप तो इतने लंबे समय से रहे, एक ट्रेनी आई एस और एक फुल फ्लेज आई एस के जो पर्क्स मिलते हैं उनमें क्या अंतर होते हैं आपके अनुभव से? देखिए, जो ट्रेनी आई एस होती है उसमें सबसे गलत उसने जो काम किया, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता चला कि ये जो प्रशिक्षु है वो ठीक नहीं है, उसने सबसे पहले अपना एक दूसरे ऑफिस में अपना नेम प्लेट लगा के काम करना शुरू किया। प्रशिक्षु अधिकारी का कोई ऑफिस नहीं होता, उसमें तो प्रत्येक क्लर्क की टेबल पे
बैठ कर सीखना पड़ता है, विभिन्न विभागों में जाना पड़ता है, SDM के यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ तक कि केंद्रीय सरकार में भी वो जाती है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न टेबल पर सीखना पड़ता, उसने पहले दिन से ही ऐसा काम किया जैसे कि बहुत बड़ी अफसर है। तो इससे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिसके अंडर वो ट्रेनिंग करती थी, उन्हें शक हुआ कि ये तो ठीक नहीं है। तो यहीं से उसकी वो शिकायत उसका शुरू हुआ उसका फिर। हाँ, यूपीएससी ने अपनी जो चिट्ठी जारी की जिसमें ब्लैकलिस्ट किया पूजा हेडगेकर को, लेकिन साथ में ये भी कह दिया उन्होंने कि हमने पिछले 15 साल की पूरी प्रक्रिया जाँच कर ली है, कोई और हमें ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला। हो सकता है सभी कैंडिडेट सर्विस ज्वाइन कर गए हों, अगर पूजा भी सर्विस ज्वाइन कर जाती और तब ये खुलासा होता, उस समय क्या प्रक्रिया होती, उस समय जो आपका सरकारी विभाग है वो कैसे काम करेगा, ऐसे पर कैसे रोक लगाए? देखिए, सरकारी विभाग में आपको कभी भी ये पता चले कि आप इस प्रकार से सिलेक्ट हो गए हैं जो आपने डिक्लेयर किया था, तब भी आपकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। उसने धोखेबाजी की, मतलब ये तो नहीं है कि उसने डिक्लेयर किया, इसके अलावा उसने फ्रॉड किया है, तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। बाद में कई अधिकारी भी मैंने देखा है, IAS में तो नहीं, लेकिन कई नौकरियों में बाद में पाए गए कि उस प्रकार से उनका वो जो कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, दिव्यांग में अन्य कोई डिस्क्वालीफाई नहीं थे वो, तो मैं सोचता हूँ कि उनके विरोध में एक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है नौकरी, और इसकी नौकरी तो बड़ी टेम्प्रेरी थी, तनख्वाहें पूरी मिलती थी, लेकिन 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड होता है, अगर कोई कमी पाई जाती है, तो इसके पहले भी एक बिहार का लड़का एक वो हुआ था जिसने कि अपने एक साथी प्रोबेशनर के ऊपर रिवॉल्वर तान दी थी। तो ये पहला केस था IAS में 15 साल पहले जो ऐसा हुआ था। तो उस समय इसके पहले माना जाता था कि IAS जो प्रोबेशनर होता है उसको भी नहीं हटाया जा सकता, तो तब सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 2 साल का पीरियड है बिल्कुल टेम्प्रेरी पीरियड है, इस समय कभी भी हटाया जा सकता। इसलिए UPSC ने फौरन एक्शन किया, उसके विरोध में क्रिमिनल केस दायर किया। मैं सोचता हूँ कि UPSC को और तेजी से भी एक्शन लेना चाहिए। तो जी, कि आप खुद IAS रहे हैं और लंबी सेवा की है, एक शब्द कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट, जनता के सेवक हैं, लेकिन हम देखते हैं आजकल जो IAS बन रहे हैं वो खुद को ट्रीट करते हैं सेलिब्रिटी, मतलब प्रोबेशनरी बनते ही एक साथ में एक रील बनाने के लिए एक अलग से व्यक्ति होगा, उनके एक साथ में फोटोग्राफर चल रहा होगा, सोशल मीडिया पे लाइव एट लबासना से लेकर तमाम तरीके के ट्रेंड्स आते हैं। आप इस पूरी प्रोसीजर कैसे देखते हैं कि जो ये चेंज आया है डिजिटल मीडिया पे जो अचानक से प्रेजेंस बढ़ी है, जो आप देख रहे हैं किस प्रकार के जो IAS नए नए आए हैं, तो ऐसा आप उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देख रहे हैं, ऐसा सभी राज्यों में नहीं है। अगर आप गुजरात में जाएं, तमिलनाडु में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, वहाँ तो मैं सोचता हूँ जो पब्लिक सर्वेंट है वो वास्तव में पब्लिक सर्वेंट है, उसको हर समय जिम्मेदारी है। और इसीलिए मेरे लड़कों ने IAS के लिए कोशिश नहीं की, मतलब एक दूसरी नौकरी की तरह है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये जो हिंदी बेल्ट है इसमें IAS का अधिक सम्मान है, मध्य प्रदेश और लोगों में श्रद्धा है, और पुरानी सामंतवादी जो परंपरा है वो समाज उन्हें मानती है। ऐसे नहीं IAS वालों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस प्रकार का जो प्रदर्शन है जो नए नए लोगों में आ गया है वो ठीक नहीं है। कैडर बढ़ता है तो बड़ी, हमने सुना है कि UP कैडर के लिए बड़ी मारामारी रहती है कि लोग UP कैडर चाहते हैं, मतलब हिंदी बेल्ट कैडर चाहते हैं, तो उसके पीछे भी यही कारण है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही IAS को तवज्जो दी जाती है बाकी राज्यों के मुकाबले, कुछ ज़्यादा सम्मान कहें या आम आदमी में खौफ भी बहुत ज़्यादा होता है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश लोग इसलिए आना चाहते हैं, एक तो एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो इस प्रदेश में जो नौकरशाही बड़ी शक्तिशाली होती है, जैसे केंद्र में है नौकरशाही बहुत शक्तिशाली है, तो इसलिए लोग उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में सुविधाएं भी अलग हैं, अर्दली मिल जाता, मकान मिल जाता, लेकिन मैं तो पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो और राज्यों में ऐसा नहीं है। तो जैसे मध्य प्रदेश में लोग आना चाहते हैं कि राजस्थान में हुकुम सरकार चलता है, और बिहार में भी जो पुराने राज्य हैं जहाँ पे IAS की बड़ी, जहाँ पे मैं कहूँ अगर आप बुरा ना माने तो जहाँ शिक्षा की कमी है, लोग जागृत नहीं है, तो वहाँ पे हाँ IAS का बड़ा सम्मान है, और इसकी वजह से लोग उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं बड़े राज्य होने की वजह से। और यहाँ पर क्या है कि IAS का सम्मान ही नहीं है, उनको बड़ी पावर है, क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक नेता है वो अंदर नहीं जाता है, क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या नियम है, क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, तो स्वभावतः नौकरशाही हावी हो जाती है। देखिए, मैंने जो किताब लिखी है वो इसीलिए लिखी है कि जो नए IAS हैं या IAS अधिकारी काम कर रहे हैं वो इससे सीखें कि
आईएएस एक न्याय के लिए, ईमानदारी के लिए, सत्यता के लिए एक संघर्ष है। और इसमें मैंने यही बताया है कि जो आईएएस का मुख्य उद्देश्य है वो है लोक सेवा, लोक कल्याण। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिन्होंने पूजा हेडकर जो कि ब्लैकलिस्टेड आईएएस उनके केस पे और युवाओं को प्रेरित करने के तमाम बातें बताई। तो ग्रेटिंग के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।